हाय, मेरा नाम आकांक्षा मोहन है और मैंने 5 days का वर्कशॉप किया जेस्टरमाइंड थिएटर से और हमारे टीचर अभिजीत सर, उन्होंने हम लोग को काफी चीजें सिखाई कैमरा टेक्निक्स के बारे में। पता नहीं है कि आपकी इस खुशी के मौके पे हमको खुश होना है। किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हे गाइस, दिस इज आर्यन। भाई मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, वो बहुत रो। हाय, माय नेम इज रितु। दोस्तों, मैंने इधर आके रियलाइज किया कि एक्टिंग दरअसल होती क्या है। जी, मेरा नाम है अनिल राय। हमसे जितना हो सकता था हमने बहुत किया और उनका खून बहुत ज्यादा बह चुका। हाय, मेरा नाम है पृथ्वी। तुम क्या चाहती है कि तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊं मैं? चीजें सिखाई कैमरा टेक्निक्स के बारे में, शॉट एंगल मोशंस जो कि एक्टिंग करते वक्त बहुत काम आती है, क्योंकि हम एक्टिंग तो कर लेते हैं बट हम ये ध्यान नहीं देते कि वो एक्टिंग कैमरे पे नज़र भी आ रही है कि नहीं, और इम्पॉर्टेंटली कि सही तरीके से नज़र आ रही है कि नहीं। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सर ने हम लोग को बताया कि किस तरीके से आपको अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है कैमरा एक्टिंग के लिए। तो ये सारे स्किल्स हमने सीखे इन 5 days के वर्कशॉप में। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मैं काफ़ी डेमो एक्ट भी किए ताकि हम अपने आप को देख पाए कि हम खुद कैमरे में कैसे लग रहे हैं और किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, हमारे एंगल आ रहे हैं, हमारा राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, एवरीथिंग। यहाँ अपनी होशियारी मत दिखाओ। कैमरे के शॉट्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने होते हैं, मोशन क्या होता है, कैमरा कितने मोशंस में ऊपर लेफ्ट राइट अप डाउन और एंगल्स, आई लेवल और लो एंगल, हाई, इसका सम्मान नहीं रख पाया मैं। तो जब तक आप एक एक बारीक बारीक चीजों को नहीं समझ लेते तब तक आप अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, सिर्फ अच्छी एक्टिंग कर लेने अच्छी बात नहीं होती ना, पर आपको टेक्निकली सही करना वो बहुत जरूरी होता है। आपको राइट एक्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। जो आपके कैमरे को रिक्वायरमेंट है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो बहुत जरूरी होता है। और वो मुझे इस 4 दिन में मैं सीख पाया हूँ। बहुत सारी चीजें, बारीक बारीक चीजें सर ने सिखाई। अभी तक खड़े हो तुम लोग? चलो चलो, सब लोग काम पे लग जाओ। अच्छा कॉन्स्टेबल टाटे, इधर आ जाओ। मैं मतलब बहुत लकी हूँ कि मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर पाया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, एक्टर के लिए मतलब जैसे 3 मिनिमम चीज़ें होती है, लाइक आपका जो फ्रेम है उसमें आप कितना मूव कर सकते हो, आपका फ्रेम कितना है, आपके पास स्पेस कितना है, आप कितना उसमें मूवमेंट कर सकते हो, ये पता होना चाहिए आपको। और आप उसमें कितना फास्ट स्लो, आप मतलब आपके आपका जो क्लोज है तो उसमें आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, आप उसको फास्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें स्लो आपको मूवमेंट करने पड़ेंगे। और जो भी आप कर रहे हो वो जस्टिफिकेशन है उसका कि नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो आप एक्टिंग के साथ और मूवमेंट के साथ और उतने फ्रेम के साथ। यार रिश्ता क्या होता है, और अपने गुरु से 4 दिन की एक्टिंग और कैमरा वर्कशॉप अटेंड की और उसमें मुझे इतना सब कुछ मिला है कि मैं सोचता था कि मुझे आता बट मुझे नहीं आता था। और वहाँ मुझे इतनी डिटेलिंग पता पड़ी कि हर शॉट में किस हिसाब से एक्टिंग करना है और जस्टिफाई करके बताना है कि वो शॉट उसी के लिए है और डायरेक्टर जो चाहता है वो उसे मिल जाए। और देखना, वापस आऊंगा ना तो तेरे इन कदमों में ना दुनिया की सारी खुशियां बिखर दूंगा। एक्टिंग आती है मुझे, मतलब थोड़ा ऐसा लगता था एक्टिंग आती है, मैं कभी कभी आईने में भी देख लेता था खुद को तो थोड़ा मतलब खुद का लगता था कि अरे यार तू कर रहा है। दरअसल ये नहीं था, इधर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, कितना इम्प्रूव करना है। मेरा जो डिक्शन था वो भी बहुत ही कमज़ोर था और एक्सप्रेशन तो बहुत ही मतलब कि जो बाहर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि खुद का मतलब मैं कर लेता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन दूंगा, ये वाला दूंगा, नहीं ये वाला एक्सप्रेशन नहीं होता है। जो सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें रियल मतलब कि कुछ सिचुएशन कर रहे हो उसके हिसाब से परफेक्ट आना चाहिए। एक्चुअली हम बहुत बार ये सोचते हैं कि एक्टिंग बस इस तरह से एक्टिंग करनी है, मैकेनिकल नहीं है ये, दिस ऑल टेक्निकल वर्क। स्टोरी टेलिंग से लेके कैमरे का पूरा नॉलेज, एक फ्रेम में एक्टिंग करना,
डायलॉग्स कैसे बोलना, सारी चीज़ों पे एक मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स मीडिया, कॉम्प्लेक्स उसमें कैसे सटल एक्टिंग करनी है ये मैंने सीखा। ये सिचुएशन में, ये जनरेशन में इतने अच्छे, इतने बारीकी से सिखाने वाले लोग बहुत कम होते, वो भी चार दिन में इतना अच्छा सिखाया, और कैमरा टेक्निक, और दरअसल हमें क्या क्या करना चाहिए एक्टिंग के वक्त, और क्या क्या हमें माइंड में रखना चाहिए वो पूरा सिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच मिस्टर अभिजीत सोम। थैंक यू। शेयर, लाइक एंड